हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के चार इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मीन, मीडियन, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के आने हैं आपके एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने सभी दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। मैथ का 2 से 3, रीजनिंग का 9 से 10 और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है, अनअकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले 9 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए, जो कि सभी को पता होगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बस अगर आपको यहाँ तक स्क्वायर पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट का निकालना आपको बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और आपको बहुत ही इजी लगेगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा और आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि आपको, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आएगा कि इसका 77 और 44 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो कैसे निकालना है एक एक स्टेप समझते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 77 और 44 लिखा है, इसमें आपको पहले जो लास्ट वाली 2 संख्या होगी इसमें इनका 2 का पेयर बनाना है और बाकी की जितनी संख्या बची उनका 1 पेयर बनाना है, ठीक है। तो लास्ट की मैंने 2 इनका संख्या का पेयर बनाया और ये जो लास्ट की 2 संख्या का पेयर बनाया 44 का, यानी कि इसमें आपको ये सेकंड वाली काट देनी है, बस लास्ट वाली से मतलब होना चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट वाली संख्या को आपको ये देखना है कि किस किस के स्क्वायर में आती है। तो 4 किस किस के स्क्वायर में आता है भाई, 2 के में आता है, 1 8 के में आता है और किसी के में तो नहीं आता है, इसलिए मैं बोला था कि आपको स्क्वायर पता होना चाहिए 9 तक के, बस, ठीक है। तो ये 8 के स्क्वायर में आता है, तो ये इसका काम तो यहाँ तक खत्म हो चुका है, 2 और 8 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे जो आपके 77 बचा है, ये लास्ट वाला पेयर, इसमें इसे आपको क्या करना है, एक तो इससे छोटा स्क्वायर और एक इससे बड़ा स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो इससे छोटा कौन सा होगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64, और इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि इससे छोटा स्क्वायर लेना है और इसके इससे छोटा स्क्वायर जो भी लोगे आप उससे नेक्स्ट वाले का स्क्वायर लेना है, ठीक है। यानी कि 8 का लिया तो 9 का आपको स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आपने 64 ले लिया और यहाँ पे 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों के बीच में आ गया 77, ठीक है भाई। अब आपका आता है आंसर की बात, आंसर कैसे लिखना है। जो पूरा काम था वो तो हो चुका है, आंसर आपको हमेशा जो भी यहाँ पे लिखा होगा डिजिट उससे छोटा स्क्वायर जो होगा, जस्ट उससे पहले वाला स्क्वायर जो भी होगा वो आपको लिखना है, यानी कि 8 तो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब इन दोनों में से कौन सा इन दोनों में से कौन सा लेंगे उसको कैसे डिसाइड करेंगे, आपको ये देखना है कि जो 77 है ये 8 के स्क्वायर के पास में है, यानी कि 64 के पास में है या 81 के पास में है। तो आप देखिए खुद डिसाइड करके कि किसके पास में है, तो ये 81 के पास में है, तो आपको ये बड़े वाली संख्या लेनी है, तो आपका 88 राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 64 के पास में होता तो आपको छोटे वाली लेनी होती, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो अभी देखते रहिए, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्क्वायर रूट निकालना है 13456 का। तो 13456 में मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट में सबसे पहले लास्ट की 2 संख्या का पेयर बना लीजिए, 2 का, जो बचे उनका 1 अलग पेयर बना दीजिए। अब जो लास्ट की 2 संख्या का पेयर बनाया इसमें आपको ये सेकंड वाली काट देनी है, लास्ट वाली संख्या से मतलब होना चाहिए बस, ठीक है, इस दूसरे वाली से कुछ नहीं होगा, बस लास्ट वाली से। लास्ट वाले में क्या देखना है कि किस किस के स्क्वायर में आता है, ये 4 के में और 6 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो इतना काम आपका खत्म। अब जो ये है 134, आपको क्या लेना है, इससे एक तो छोटा स्क्वायर लेना है और एक जो भी छोटा स्क्वायर होगा उससे नेक्स्ट, या फिर आप ये बोल सकते हैं किसी भी 2 स्क्वायर के बीच का ही हमें लेना है, ठीक है। यानी कि जो दोनों के स्क्वायर में बीच में आ जाए, यानी कि आपने 11 का स्क्वायर लिया 121, इससे छोटा होगा, फिर 11 से नेक्स्ट क्या होगा 12, और 12 का स्क्वायर ले लीजिए 144। अब आपको क्या करना है, देखिए आंसर में पहला जो होगा, जो ये पहला लिखा जाएगा, ये तो आपको छोटे वाला स्क्वायर ही लेना है हमेशा, ठीक है। तो ये छोटे वाला आपने 11 लिख लिया, जो ये हमें दूसरा लिखना होता है 4 में से 6 में से कौन सा लिखें, ये आपका डिसाइड करेगा कि ये 134 जो भी यहाँ पे संख्या होगी वो किस स्क्वायर के पास में है, ये 121 के पास में या 144 के पास में। तो आप बताइए किसके पास में है, ये मुझे लग रहा है 144 के पास में ही है, ठीक है। तो 144 के पास में है तो आपको बड़े वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े वाले स्क्वायर के पास में है तो इसका मतलब बड़े वाली संख्या आपको लेनी है। तो 116 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कंफर्म करा दीजिएगा कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 6200
41 का आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वो स्टेप कि दो का पेयर बनाइए और जो बाकी के बच गए उनका एक पेयर बना दीजिए। इन दो के पेयर में भी आपको चार को काट देना है। एक किस किस के स्क्वायर में आता है? 1 के और 9 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। 9 * 81 यानी कि 81 है, तो 81 देखिए 1 आ गया। इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे 1 और 6 के स्क्वायर में ही आता है 1। तो आपको क्या करना है, अब इसका तो काम खत्म इतने का, तो अब बचा आपका 62 से पहले स्क्वायर किसका होगा? 7 का, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर आपने लिख लिया कितना? 49। और 7 से नेक्स्ट किसका होगा? 8 का। 8 का स्क्वायर आपका होगा 64। अब ये दोनों के बीच में आ गया, जो 62 है, हमें इससे एक बड़ा भी मिल गया स्क्वायर और एक इससे छोटा भी मिल गया, ठीक है। तो हमेशा मैंने क्या बताया, ये जो पहले वाली संख्या होगी वो तो छोटे वाले स्क्वायर ही लेना है आपको हमेशा, यानी कि आपने यहाँ पे 7 लिख लिया। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे? तो आप मुझे बताइए, ये 8 के स्क्वायर के पास में है या 49 के, यानी कि 7 के स्क्वायर के पास में? ये 8 के स्क्वायर के पास में है ना, 62 के पास में है, यानी कि 8 के स्क्वायर के, यानी कि बड़े वाले के। तो बड़े वाली संख्या आपको लेनी है, तो 9 आपका यहाँ पर लिख देंगे, तो 79 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके 100% लिख लीजिए। एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में मिलेगा, हर एक शिफ्ट में, ये मैं बोल सकता हूं अभी से ही, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर रूट की हम बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट इससे भी आसान है, बहुत ही आसान है, और क्यूब रूट भी से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, किसी भी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आएगा या तो एक क्यूब रूट से आएगा, स्क्वायर रूट से, दोनों से नहीं आएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट भी हम साथ में ही सीख लेते हैं, और मीन मीडियन से तो आपके डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अभी इसके बाद हम मीन मीडियन पढ़ने वाले हैं, तो उसको भी जरूर देख के जाइएगा। क्यूब रूट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको 9 तक के क्यूब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो एक बार दो बार लिख करके बिल्कुल रट लीजिए। कम से कम आपको 15 तक के क्यूब रूट क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। ये होते हैं, एक बार देख लेते हैं, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का आपका 27 होता है, 4 का आपका 64 होता है, 5 का आपका 125 होता है, 6 का आपका 216 होता है, यानी कि 216, ठीक है। 7 का आपका 343 होता है, और 8 का आपका 512 होता है, और 7 का आपका 729 होता है। तो ये होता है आपका 9 तक के क्यूब, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इसका भी। सॉरी, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 54872 का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 का पेयर बनाते थे ना, अब की बार आपको बनाना है क्यूब रूट निकालना, तो 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। जो भी आपकी संख्या होगी 3 का पेयर और जो लास्ट में बचा उनका एक अलग पेयर, चाहे 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, जितनी भी संख्या बने उनका एक अलग पेयर बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक अलग पेयर बनाना है, ठीक है। पेयर बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, ये पेयर बना लिए। अब इन 3 में आपको लास्ट वाली संख्या से मतलब होना चाहिए, इन दोनों को भूल जाइए। जैसे ऊपर हम दो पेयर बनाते थे 2 संख्या का, और उसमें लास्ट वाली से मतलब होता था, दूसरे वाली को भूल जाते थे। तो यहाँ पे इन 2 को भूल जाइए, लास्ट वाली से ही मतलब रखें यहाँ पे भी। अब ये देखना है आपको कि 2 किसके क्यूब में आता है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे आता है आपका जो 2 के क्यूब में 8 आता है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। सॉरी, ये आपका मैं बोल गया, 2 किसके क्यूब में आता है, 8 के में आता है। देखिए लास्ट में इसमें देखिए 512 लिखा ना, ये 2, तो 8 के क्यूब में आपका आता है 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 8, तो बस इसका तो इतना ही काम था, ये आप इसका काम खत्म हो चुका है। अब 54 है, ठीक है, 54 से पहले कौन सा क्यूब होता है, बस आपको वो लिखना है, और यही आंसर हो गया। देखिए 54 से पहले किसका क्यूब होता है, अब देखिए 4 का देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इससे पहले तो 3 का आएगा, तो 3 आपका यहाँ पे लिख देंगे। 54 यानी कि जो 54 होगा ये किसी का क्यूब तो नहीं होगा। अब इससे बड़ा नहीं लेना है, ये इससे छोटा लेना है, इससे छोटा 3 का क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 27, ठीक है। अगर हम लेंगे 4 का तो वो कितना हो जाएगा, 64, तो हमें 64 नहीं लेना है, 3 का लेना है, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, तो यानी कि राइट आंसर आपका 38 हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, क्यूब रूट भी बहुत ही आसान है। अभी 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये है आपका, इसका आपको बताना है क्यूब रूट, ठीक है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले 3 का पेयर बना लीजिए, जो बाकी के बचे उनका अलग पेयर बना लीजिए। अब इन 3 के पेयर में आपको इस 37 से तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बस आपको 9 देखना है। तो 9 आपको देखना है कि किसके क्यूब में आता है, तो 9 खुद के 9 के ही क्यूब में आता है और किसी के में भी नहीं आता है, देख लेते हैं। देखिए 9 जो है वो 9 के ही क्यूब में आएगा, 729, तो लास्ट में देखिए 9 आया है, ठीक है। और अब आपको क्या देखना है, 205 से छोटा किसका क्यूब है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 का, तो 125 होता है,
और 6 का देखूं तो आपका होता है 216, तो 216 तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब आपको 5 का लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 और ये 5, यानी कि 59 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बहुत ही आसान है। देखिए पेयर बनाइए एक, ये और देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। ठीक है, इस तरीके से आपने पेयर बनाया, 32768 का आपको निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, तो क्यूब रूट आपको निकालना है, इसका पेयर बनाया 3 का और लास्ट के जो भी बचे उनका एक अलग पेयर बना लिया। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, बस इनका पेयर के लास्ट में जो लास्ट वाला होता है, ये 2 को हटा दीजिए, इसमें आप ये किसके क्यूब में आएगा, ये 2 के क्यूब में आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, तो ये तो 2 तो आप रख ही दीजिए, ये आपका आधा आंसर आ चुका है। अब ये आपको देखना है कि जो 32 है, 32 से छोटा किसका क्यूब होगा, 32 जो है वो इससे छोटा क्यूब किसका होगा, वो होगा आपका 3 का। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है आपका, वो होता है 27, और इससे बड़ा किस 4 का कितना हो जाएगा, 64, ये बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका 32 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अगर ट्रिक अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं अब दूसरे वाला अपना चैप्टर। तो सबसे पहले मीन और मीडियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, मीन का आप कैसे निकालेंगे, मीन तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको सम करना है, जो भी संख्या आपको दी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इनका मीन पूछा तो उनको प्लस करना है और जितने भी वो होंगे उनसे डिवाइड कर देना है। ठीक है, यानी कि आप एवरेज भी बोल सकते हैं, मीन को आप एवरेज भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है सिंपली। ठीक है, यानी कि माध्य अगर आपको निकालना है, मीन आपको निकालना है, तो वो तो बहुत आसान है। अब आते हैं मीडियन पे। ठीक है, माध्यिका पे, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में समझते हैं, दो स्टेप है इसके। पहले वाला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में, जो भी आपको सीरीज दे रखी होगी 1, 2, 4, 5, 8, 9 जो भी दे रखा होगा, उसको सबसे पहले असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में आपको उसको जमा लेना है। सबसे पहला स्टेप ये होगा, अगर आप इस स्टेप को स्किप कर देते हैं तो आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। तो सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगा लेना है। दूसरे में आपको क्या करना है, अगर वो इवन नंबर है तो इवन नंबर में जितने भी वो नंबर होगा उसे 2 से डिवाइड करना है, यहीं तक समझिए क्योंकि बाकी की चीज़ मैं क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। अगर वो ओड नंबर है तो n प्लस 1 और डिवाइड करना है आपको 2 से। ठीक है, ये 3 स्टेप आप जान लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए तो मीन का तो सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ईजी है, बहुत ही सभी बच्चे निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे 12, 19, 15, 22, 17 लिखा है और इसका मीन पूछा है, तो इन सभी को प्लस करिए और कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12, 19, 15 और 22, 17 को प्लस करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 85 और 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 17, ये आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मीडियन पे। मीडियन में आपका जो ये पहला ही क्वेश्चन है 18, 27, 29, 26 और 23, इसका मीडियन आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इसको मैंने क्या बताया, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लीजिए, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा कौन सा है, 23 है। ठीक है, फिर इससे बड़ा आपका 26 है और इससे बड़ा आपका 27 और उसके सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आपका 29। यहाँ पे आप इन्हें काउंट करिए, ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है 5 है, 5 मीन्स ओड है। ओड में मैंने आपको क्या बताया, 1 प्लस करना है, यानी कि 5 प्लस 1, एन प्लस 1 अपॉन में 2, ये मैंने बताया था ना आपको, तो प्लस 1 करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो कितना होगा 6 डिवाइड बाय 2, 3, तो आप 3 देख लीजिए, 1, 2, 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और आपके एग्जाम में अभी ALP में और टेक्नीशियन के बात की जाए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से ही। चलिए एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा है 5, 8, 6, 2, 8, 9, इसका मीडियन आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लगा लीजिए, बढ़ते क्रम में लगा लीजिए, तो यहाँ पे 2, ठीक है, उससे बड़ा कौन सा है 5 है, उससे बड़ा आपका 6 है, उससे बड़ा आपका 8 है, और 8 एक और दे रखा है तो कोई बात नहीं, दोनों को साथ में लिख लेंगे, और उसके बाद आपका 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काउंट करना है कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है यानी कि इवन नंबर है, इवन में हम क्या करते हैं n डिवाइड बाय 2, तो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ ये है, अब समझिएगा, आपको डायरेक्ट अब ये नहीं कि यहाँ पे 1, 2, 3 ये आप आंसर लिख देंगे, नहीं नहीं, आपको क्या करना है 3 और उससे नेक्स्ट उन दोनों को प्लस करना है, यानी कि आपके n को आपने डिवाइड किया 2 से 3 आया है, तो 1, 2, 3 यानी कि 6 और उससे एक नेक्स्ट को प्लस करके तब 2 से डिवाइड करना है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है,
समझ गए आप इस बात को? तो 6 + 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 14 / 2, तो 7, तो 7 आपका राइट आंसर होगा, ना कि 6। यहाँ पे ये बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं जब मीडियन निकालते हैं, तो इवन और ओड का यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, अलग अलग होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी लंबा है और इसका मीडियन आपको निकालना है, कुछ इसी तरीके का आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लगा लेना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि सबसे छोटा 5 है, उससे बड़ा आपका 13 है, उसके बाद आपका 15 आ जाएगा, फिर आपका 16 आ जाएगा, फिर आपका 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, उसके बाद आपका 21 आ जाएगा, और फिर आपका 22 और 25 और फिर 28। आपने इनको आरोही क्रम में लगा लिया, ठीक है, बढ़ते क्रम में आपने इनको लगा लिया। अब काउंट करते हैं इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 है, यानी कि इवन नंबर है। तो आपको क्या करना है, n यानी कि 10 को डिवाइड करना है 2 से, तो क्या आ गया, 5। अब आपको क्या करना है, 5 आपका आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 17 और 18 को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, और जो भी आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब आप समझ गए होंगे कि इवन नंबर जब होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, जो भी आपका आएगा n को 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसको और उससे नेक्स्ट वाले नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है भाई। और आपका जो ओड नंबर होगा उसमें आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ओड नंबर में आपको क्या करना है, n प्लस 1 और डिवाइड कर देना है 2 से, और जो भी आपका आएगा, ठीक है, जैसे 5 आएगा तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, और 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो कब होगा, ओड नंबर में। इवन नंबर में आपका जो भी नंबर आएगा, यानी कि 5 आया तो 5 और 6 दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है, वो आपका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, पाइप टंकी वाला अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी लगे हैं, ठीक है, ए तथा बी इसे क्रम 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, और सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि इन पाइपों को क्रम 3:30, 4:30 और 5:30 खोला जाए तो किस समय टंकी खाली होगी। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये देखने को मिला है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप समझिए। ए 3 घंटे में भर देता है, बी 4 घंटे में भर देता है, और सी 1 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 12। तो 12 को आपको एक एक से यानी कि डिवाइड कर लेना है और उनका यूनिट वर्क लिख लेना है कि एक एक घंटे में कितना वर्क करेंगे, क्योंकि टोटल यूनिट ऑफ कैपेसिटी आ गई टैंक की कितनी, 12 यूनिट। तो 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ए 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरेगा, 12 को आप 4 से भाग करेंगे तो बी 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा, और 12 को आप 1 से भाग करेंगे तो सी 1 घंटे में 12 यूनिट पानी निकाल देगा। तो अगर आप देखें, अकेला ये इतना पानी निकाल रहे हैं कि दोनों पाइप मिलके भी इतना भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये एक साथ में नहीं खोले गए हैं, सबसे पहले ए पाइप को खोला गया है 1 घंटे के लिए। देखते हैं यदि इन पाइपों को ये 3 बजे खोला जा रहा है और फिर नेक्स्ट पाइप जो है वो 4 बजे खोला जा रहा है, यानी कि 3 बजे अगर ये खुलेगा ए पाइप तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 से 4, ये केवल 4 यूनिट भरेगा, क्योंकि 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरता है, ठीक है। तो इसने 4 यूनिट पानी भर दिया होगा। फिर नेक्स्ट आपका 4 बजे दोनों पाइप खुल जाएंगे, ए बी और बी बी, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी कि अब ये 7 यूनिट पानी भरेंगे, कितने, किस टाइम तक, ये 5 बजे तक, 4 से 5 बजे तक 7 यूनिट पानी भरेंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 7 यूनिट पानी ये भर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका 5 बजे तक कितना पानी भर चुका होगा, ये भर चुका होगा आपका 7 और 4 11 यूनिट पानी भर चुका होगा, ठीक है भाई। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा इतना कॉन्सेप्ट जितना मैं यहाँ तक कराया है। उसके बाद 5 बजे के बाद फिर सी पाइप भी खोल दिया जाता है, और सी पाइप भरने वाला तो नहीं है, वो तो खाली करने वाला है। पहले से आप माइनस का साइन लगा लिया करें ताकि थोड़ा जब क्वेश्चन करते हैं कन्फ्यूज ना हो और ना उसमें गलती हो सके। तो यहाँ पे सी पाइप जो है वो खाली करने वाला है, और ये अब तीनों पाइप खुल जाएंगे 5 बजे। जब तीनों पाइप खुलेंगे तो 2 भरने वाले हैं, एक खाली करने वाला है। तो भरने में देखिए कितना जा रहा है पानी, 7 यूनिट पानी भरा जा रहा है और 12 यूनिट पानी निकल रहा है, यानी कि भरने की बजाय 5 यूनिट पानी निकल ही रहा है। ये 5 यूनिट पानी कहाँ से निकलेगा, जो 11 यूनिट पानी ये दोनों मिलके भर चुके थे 5 बजे तक, उस पानी में से ये 5 यूनिट पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा हर एक घंटे में। तो अब यहाँ पे पूछा है तो कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी, तो टंकी कितनी भरी थी, ये 11 यूनिट पानी भरा था और ये 5 यूनिट पानी हर एक घंटे में निकलना स्टार्ट हो गया है। तो यानी कि कितना पानी निकल जाएगा,
कितने देर में निकल जाएगा पूरा पानी, ये निकल जाएगा आपका 2/5, यानी कि आपका अगर देखा जाए घंटे में तो 2 घंटे 12 मिनट में ये पूरा पानी निकल जाएगा 11 यूनिट, ठीक है। अब टाइम अगर देखा जाए कि किस टाइम तक खाली हो जाएगी, तो 5 बजे के बाद में 2 घंटे 12 मिनट देख लीजिए, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, तो 7:12 पे ये टैंक खाली हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इसी वीडियो में ले लिया है, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट और मीड मीडियन के बाद ये एक क्वेश्चन मुझे इसमें मिला इस वीडियो में, तो मैंने वो भी आपको करा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपने इस वीडियो को पूरी देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। पहली वीडियोज़ को देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से सभी प्लेलिस्ट के लिंक खोल करके देख लीजिए सारी वीडियोज़, और जो लास्ट में आपको 4 वीडियोज़ दिखती हैं सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी साथ साथ में देख लिया करें, ठीक है भाई। और अपने सभी दोस्तों को साथ में शेयर कर दिया करें। PDF लेने के लिए टेलीग्राम का लिंक सबसे पहला दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF भी सारी मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।